सिद्धू मूसेवाला लौट आए हैं। मां चरण को ने दिया बेटी को जन्म, तो सोशल मीडिया पर गूंज उठी है दुआएं। सिद्धू मूसेवाला के घर किलकारी गूंजी है, उनकी मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बच्चे का चेहरा दिखाते हुए ये खुशखबरी सारी दुनिया से शेयर की। रविवार सुबह सुबह जैसे ये खुशखबरी सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सोशल मीडिया पर दी, उनकी इस पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सिद्धू इज बैक, यानी हमारे सिद्धू वापस लौट आए हैं। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट के जरिए सिद्धू मूसेवाले के माता पिता को शुभकामनाएं दे सकते हैं। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिद्धू मूसेवाले के भाई के लिए लोगों ने कहा, लेजेंड्स कभी मरते नहीं। लोगों ने बलकौर सिंह के पोस्ट पर अपने अपने दिल की बात लिखी है और बच्चे की लंबी उम्र की दुआ की है। कुछ लोगों ने कहा है, वाहेगुरु जी बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। एक ने कहा है कि फाइनली 1.5 साल से बेटे के दर्द में डूबे इस परिवार को खुशियों की कुछ किरणें नजर आई हैं। लोगों ने कहा, सिद्धू 2.0 है और लेजेंड्स कभी मरते नहीं। सिंगर के फैंस ने इस बच्चे के लिए अपनी खुशियाँ जताई है और परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। सिद्धू मूसेवाला लौट आए। दिवंगत सिद्धू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी हत्या के बाद से उनके माता पिता बेटी के जाने के गम में डूबे थे। अपने संतान के लिए बेचैन इस परिवार ने IVF का सहारा लिया और पिछले 9 महीने के जतन के बाद इस अधेड़ उम्र में घर के चिराग को लेकर आए हैं। यकीनन माता पिता के लिए भी ये जूनियर सिद्धू ही है। और वहीं बाकी फैंस का भी यही कहना कि सिद्धू एक बार फिर अपने घर लौट आए हैं। सिद्धू की अथाह संपत्ति को मिला नया वारिस। सूत्र के मुताबिक परिवार ने IVF के सहारे पिछले साल इस बच्चे का प्लान किया। हाल ही में चरण कौर सिंह की प्रेगनेंसी की खबर आई और फिर चर्चा होने लगी कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। हालांकि इसके बाद 60 साल के बलकौर सिंह ने परिवार से जुड़ी इस तरह की अफवाहों को गलत बताया था। बताते चले कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से माता पिता बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। सिद्धू ने अपने पीछे अथाह संपत्ति छोड़ रखी। अपने परिवार को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स ने इस उम्र में इतना बड़ा फैसला लिया और फाइनली ये सच हो चुका है।